हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो मैच होने वाला है मिलवैंक बक्स यानी एमआईएल वर्सेस टोरंटो रैप्टर्स के बीच में। और जो लास्ट मैच हुआ था इन दोनों टीम का वो हुआ था हेड टू हेड मैच। तो दोनों ने यहाँ पर लास्ट मैच यहाँ पर रिसेंटली खेल के आ रहे, उसी के साथ साथ बैक टू बैक हेड टू हेड मैच खेल रहे। तो लास्ट मैच में टोरंटो रैप्टर्स ये मुकाबला इजिली विन किया था 11 पॉइंट से, और उसी के साथ साथ मिलवैंक बक्स ये मैच यहाँ पर लॉस हो गई थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चेक करना सब्सक्राइब किया है नहीं, अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ साथ फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर जाके सीधा सर्च करना @RBFantasy7, आपको 1K+ वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल दिख जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर इन दोनों टीम का अगर कंपेरिजन करें तो टोरंटो रैप्टर्स और मिलवैंक बक्स, अगर इन दोनों का कंपेरिजन करें तो लास्ट 4 मैच मिलवैंक बक्स 4 आउट ऑफ 4 यहाँ पर मैच लॉस होकर आ रही। उसी के साथ साथ टोरंटो रैप्टर्स लास्ट 4 आउट ऑफ 2 मैच यहाँ पर विन और 2 मैच यहाँ पर लॉस होकर आ रही। उसी के साथ साथ यहाँ पर पॉइंट टेबल में अगर देखेंगे तो मिलवैंक बक्स जो है तो थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर है पॉइंट टेबल में अगर देखेंगे तो 16 विन 12 लॉस। उसी के साथ साथ टोरंटो रैप्टर्स 13 विन 15 लॉस। तो यहाँ पर मिलवैंक बक्स थोड़ी सी यहाँ पर पॉइंट टेबल पर स्ट्रॉन्ग दिख रही, लेकिन लास्ट का जो हेड टू हेड मैच हुआ था तो टोरंटो रैप्टर्स ने ये मैच यहाँ पर इजिली विन किया था। तो ठीक है, तो अगर लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोनों टीम का परफॉर्मेंस बेस्ट था। बाकी यहाँ से आपको टोरंटो मिलवैंक बक्स की तरफ से भी फॉर्बिस आपको पॉइंट गार्ड से यहाँ पर एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ डी डेविन्स जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ डी ऑगस्टी एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, बेस्ट बेंच प्लेयर है। डिफेंसिव आपको रिबाउंड और उसी के साथ साथ असिस्ट ज़्यादा दे सकती है, पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर कम देंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर के मिल्टन एज ए स्टार्टर देखेंगे। उसी के साथ साथ पी कॉन्गटन ने लास्ट मैच में यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, बैंस से सबसे ज़्यादा टाइम मिला था, उसी के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस था। उसी के साथ साथ जी एंटागोनो बेस्ट यहाँ पर एसपी चॉइस आज के मैच में। बिपोर्टिस की अगर बात करूँ तो बेस्ट बेंच प्लेयर है, 12 क्रेडिट का प्लेयर है। बाकी चाहे तो आप इनको ट्राई कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, क्रेडिट थोड़ा सा है लेकिन लास्ट मैच इनका थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज गया था। लेकिन उससे पहले अगर मैच की बात करूँ तो बेस्ट परफॉर्मेंस इनका आया था यहाँ से बिलुप्स एज अ स्टार्टर देखेंगे। तो ये 5 स्टार्टर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी भी फैब्रिक्स आपको एज अ क्रेडिट से और मिल जाएंगे। जी एंटीटोनो आपको एज अ बेस्ट एसपी चॉइस मिल जाएंगे, उसके साथ साथ की मिल्टन और बिलुप्स जीएल प्लेयर मिल जाएंगे। और डी डेविन्स जो इनको भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो जीएल में। बाकी स्मॉल लीग में यहाँ पर 50-50% यहाँ पर डी डेविन्स जो आपके अपोनेंट के पास रहने वाले एज अ स्टार्टर खेलेंगे। बेस्ट प्लेयर है अगर बात करूँगा यहाँ पर टोरंटो रैप्टर्स, तो टोरंटो रैप्टर्स की तरफ से आपको यफ फैनलेट एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बेस्ट पीपी चॉइस आज के मैच में अगर बात करूंगा यहाँ पर केलाउरा पर यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है जीटीडी है, क्योंकि लास्ट मैच में थोड़े से यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे, उसी के साथ साथ टाइम कम मिला था। अगर केलाउरा नहीं खेलते तो फिर यन पॉवेल को यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिलेगा। दोनों शूटिंग गार्ड से खेलते हैं या फिर पॉइंट गार्ड से खेलते हैं, और यन पॉवेल आपको एक अच्छे खासे पिक मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग इनको इग्नोर करें, लेकिन केलाउरा अगर नहीं खेलते तो यन पॉवेल इस टीम की तरफ से बेस्ट प्लेयर है। और उसी के साथ साथ लास्ट मैच में यहाँ पर कमबैक किया था ओनोबेडी ने, आज के मैच भी ओनोबेडी खेलेंगे, 14 क्रेडिट के प्लेयर है। लास्ट मैच में टाइम इतना अच्छा खासा नहीं मिला था, ट्राई कर सकते हो। जीएल के लिए भी आज के मैच में बेस्ट पिक है, एज ए स्टार्टर खेलेंगे। या से केलाउरा खेलते तो फिर एज ए स्टार्टर खेलेंगे, अगर केलाउरा नहीं खेलते तो डी डेमरी या से स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर बात करूँ पीसीक्यूम बेस्ट प्लेयर है, हाई क्रेडिट प्लेयर है। उसी के साथ साथ सी वाउचर एज ए बेंच प्लेयर खेलेगा, लास्ट मैच सी वाउचर के लिए बढ़िया गया है। बाकी यहाँ पर थोड़े से क्रेडिट सी वाउचर के यहाँ पर इस मैच में थोड़े से कम हुए। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह फैनलेट बेस्ट चॉइस 100% अपोनेंट के पास रहने वाला है, और बेस्ट पीपी चॉइस। उसी के साथ साथ यन पॉवेल अगर केलाउरा यहाँ पर आज का मैच नहीं खेलते तो यन पॉवेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। उसी के साथ साथ ओनेबेड भी एक अच्छे खासे पिक आपको मिल जाएंगे, 14 क्रेडिट के प्लेयर है। पी सिक्किम थोड़ा सा क्रेडिट हाई है लेकिन ये भी प्लेयर अच्छा खासा है। बाकी ऐसे फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच जो हुआ था तो लास्ट मैच में यफ फनलेट और उसी के साथ साथ टी डेविस एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। टी डेविस यहाँ पर जेल में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में थोड़े से यहाँ पर रिस्की। अगर यफ फनलेट का अगर देखेंगे लास्ट मैच 39 मिनट खेले थे, सेम टीम के साथ सेम अपोनेंट था, उसी के साथ साथ दोनों यहाँ पर बैक टू बैक मैच खेल रहे। बाकी यफ फनलेट का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 39 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 33 पॉइंट 4 रिबाउंड 7 असिस्ट, उसी के साथ साथ 2 स्टील किए थे। और जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी यफ फनलेट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेस्ट था। बाकी केलाउरा अगर खेलते तो केलाउरा का परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहता है। और ये फैनलेट और केलाउरा में से किसी एक को अगर पिक करना है तो केलाउरा मुझे यहाँ पर बेस्ट पिक देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर 100% फिट नहीं होते तो फिर यहाँ पर रिस्की। बाकी ये फैनलेट यहाँ पर बेस्ट पीपी चॉइस मिल जाएंगे। अगर ये फैनलेट और केलाउरा दोनों को भी आप एक टीम में पिक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी यहाँ पर हाई क्रेडिट के
प्लेयर है। बाकी ये फनलेट यहाँ पर बेस्ट पीपी चॉइस मिल जाएंगे अगर के लौरा नहीं खेलते। अगर के लौरा खेलते तो फिर यहाँ पर दोनों में यहाँ पर कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि के लौरा भी अच्छे खासे परफॉर्मर है। अगर के लौरा 100% फिट नहीं हुए तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कम टाइम खेलेंगे, लेकिन ये फनलेट आपको यहाँ पर सेफ पीपी चॉइस आज के मैच में मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से के लौरा और यन पॉवेल की अगर दोनों की बात करूँ तो दोनों एज ए स्टार्टर खेलेंगे घर से, और दोनों का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो लास्ट मैच में केलावरा का परफॉर्मेंस 22 मिनट खेले थे, इंजर्ड हो गए थे, टाइम ज़्यादा नहीं मिला था। बाकी यन पॉवेल के यहाँ पर बेस्ट टाइम मिला था, उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस एवरेज रहा था। जो सेकंड मैच था तो सेकंड मैच में आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यन पॉवेल का 22.5 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 1 असिस्ट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लास्ट मैच में ओनोबीडी खेल रहे थे, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या थोड़ा सा इम्पैक्ट यन पॉवेल पर भी पड़ा था। बाकी ओनोबीडी भी इतना अच्छा कुछ किया नहीं, टाइम 27 मिनट मिले थे, 13.7 रिबाउंड, उसके साथ साथ 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील। हो सकता है आज के मैच में ओनोबेडे को अच्छा खासा टाइम मिलेगा। बाकी यहाँ पर 14 क्रेडिट का प्लेयर है ओनोबेडे, उसी के साथ साथ आपको केलावरा मिल जाएंगे, यन पॉवेल मिल जाएंगे, मस्ट हैव 11.5 क्रेडिट के प्लेयर है। बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मैच इनका इतना बढ़िया नहीं रहा। बाकी ओनोबेडे 14 क्रेडिट के प्लेयर आपको बेस्ट पिक मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ डीप एमरी की अगर बात करूँ तो डीप एमरी एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, डीप एमरी को भी अच्छा खासा टाइम मिलता है। बाकी लास्ट मैच अगर देखेंगे 18 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 6 पॉइंट और 1 स्टील किया था, और जो सेकंड मैच रहा था तो डीप एमरी को सबसे बेस्ट टाइम मिला था, 22 मिनट मिले थे, उसी के साथ साथ 9.4 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 2 असिस्ट। तो बेस्ट प्लेयर आपको मिल जाएंगे डीप एमरी। इसी के साथ साथ पी सिक्किम एज ए स्टार्टर खेलेंगे, वाई वैटनो भी आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से। बाकी पी सिक्किम की अगर बात करूँ तो पी सिक्किम लास्ट मैच 39 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 13.13 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी पी सिक्किम का परफॉर्मेंस 37 मिनट यहाँ पर भी खेले थे, 18 रिबाउंड अच्छे खासे देते, उसी के साथ साथ असिस्ट ब्लॉक और स्टील भी किए थे। तो बेस्ट पिक मिल जाएंगे 18 क्रेडिट के प्लेयर है, और पी सिक्किम यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो पी सिक्किम के साथ ले सकते हो, यफ एंडलेट को ड्रॉप करके। यफ एंडलेट का क्रेडिट 19 क्रेडिट के प्लेयर है। अगर यहाँ पर केलावरा नहीं खेलते तो फिर पी सिक्किम भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे फॉरवर्ड से, क्योंकि दोनों भी अगर देखेंगे तो दोनों ये फावर फॉरवर्ड से खेलते हैं, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो केलावरा जो है तो यहाँ पर शूटिंग गार्ड से खेलते हैं, और उसी के साथ साथ पी सिक्किम शूटिंग गार्ड से भी खेल सकते हैं। तो शूटिंग गार्ड से पी सिक्किम को अच्छा खासा टाइम मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको रिबाउंड असिस्ट अच्छे खासे देंगे। बाकी यहाँ से आप सी बाउचर बेस्ट बेंच प्लेयर है, उसी के साथ साथ ए बाइनिस एज अ स्टार्टर खेल सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच में ओनोबेडी ने यहाँ पर स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पर इंजरी की वजह से वापस आए ओनोबेडी। तो ए बाइनिस यहाँ पर एज अ बेंच प्लेयर खेले थे और टाइम इतना कुछ अच्छा खासा नहीं मिला था। बाकी इनको आप इग्नोर कर सकते हो, चाहे तो जेल में ट्राई करना, लेकिन जेल में भी मुझे यहाँ पर रिस्की लग रहा है। अगर ए बाइनिस का लास्ट मैच देखेंगे 18 मिनट मिले थे, 4.4 रिबाउंड, उसके साथ साथ 1 असिस्ट, तो एवरेज यहाँ पर परफॉर्मेंस है। बाकी सी बाउचर स्टिंग की तरफ से बेस्ट बेंच प्लेयर है, 14 पॉइंट, उसके साथ साथ 6 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 5 ब्लॉक किए थे, तो ये सबसे बेस्ट रहा था। बाकी जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी सी वाउचर का परफॉर्मेंस एवरेज रहा था। बाकी आप चाहे तो ए बाइनिस को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सी वाउचर यहाँ पर सेफ पिक है। तो इस टीम का परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच में, और उसके साथ साथ टोरंटो राप्टर्स अगर देखेंगे यहाँ पर तो टोरंटो राप्टर्स थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर यहाँ पर इस टीम की तरफ से खेलते हैं केलावरा, अगर केलावरा नहीं खेलते तो फिर थोड़ी सी यहाँ पर शूटिंग गार्ड से यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये वीक टीम हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करूँ यमआईएल, तो यमआईएल की तरफ से आपको एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे सबसे पहले बी फॉरब्रिस पॉइंट गार्ड से, 26 मिनट खेले थे लास्ट मैच, 11 पॉइंट, उसी के साथ साथ 2 रिबाउंड और 1 स्टील। तो एक आपको बेस्ट पिक मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ लास्ट मैच क्रेडिट से और मिल जाएंगे, और लास्ट मैच भी इनका यहाँ पर एवरेज गया, इतना भी कुछ खराब नहीं गया। बाकी अगर देखेंगे तो बी फॉरब्रिस लास्ट मैच 26 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 11 पॉइंट 2 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था तो बी फॉरब्रिस का यहाँ पर देखिए पॉइंट 33 मिनट खेलकर टाइम अच्छा खासा मिलता है, 14 मिनट, उसी के साथ साथ 2 रिबाउंड यहाँ पर भी किए थे। तो बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे बी फॉरब्रिस, उसी के साथ साथ एज अ स्टार्टर मिलेंगे और टाइम भी अच्छा खासा मिलता है। अगर यहाँ से बात करूँ तो डी डेविन साजो एज अ स्टार्टर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। डी डेविन साजो की अगर बात करूँ तो लास्ट मैच भी टाइम अच्छा खासा मिला था, 32 मिनट ये खेले थे, 12.3 रिबाउंड, उसके साथ साथ 8 असिस्ट। सेकेंड मैच जो रहा था तो यहाँ पर भी डी डेविन साजो का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, 17.8 रिबाउंड, उसके साथ साथ 2 असिस्ट एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ 12 क्रेडिट के प्लेयर, उसी के साथ साथ डी ऑगस्ट की अगर बात करूँ तो बैन से खेलेंगे, टाइम अच्छा खासा मिलेंगे, लेकिन डिफेंसिव ज़्यादा खेलती हुई जेल में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से रिबाउंड और असिस्ट अच्छे खासे देंगे, हो सकता है ब्लॉक और स्टील भी दे दें। बाकी यहाँ से किया आपको मिल जाएंगे पी कॉन्गटोन, अगर इनकी बात करूँ तो लास्ट मैच इनके लिए गजब कराया। अगर देखेंगे लास्ट मैच भी पी कॉन्गटोन का परफॉर्मेंस 31 मिनट के लिए थे, 20 पॉइंट, उसके साथ साथ 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 3 ब्लॉक यहाँ पर किए थे। बाकी की मिल्टन भी मिल जाएंगे यहाँ पर, 38 मिनट ये भी खेले थे, 11.7 रिबाउंड और 2 स्टील। तो के मिल्टन का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में
बहुत बड़ा बहुत ख़राब रहा था। बाकी क्रेडिट हाई क्रेडिट का प्लेयर है पिकॉन्गटन ने लास्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, हेड टू हेड मैच था। उसी के साथ साथ आपके 100% अपोनेंट के पास लगभग ये होने वाले। और यहाँ से अगर बात करूँ तो जी एंटीक्यूनोमो सबके पास होने वाले हैं और सबका एसपी यही होने वाला है। बाकी नो डाउट इसके बारे में क्या कहना। बाकी बी पोर्टिस थोड़े से यहाँ पर लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मैच इनका यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज गए। बाकी बी पोर्टिस का लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे 24 मिनट के लिए थे, 16 पॉइंट इन्होंने दिए थे, बाकी 6 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था बी पोर्टिस यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए थे लेकिन परफॉर्मेंस 28 मिनट खेलकर 21 पॉइंट 6 रिबाउंड और उसी के साथ साथ 3 असिस्ट इन्होंने किए थे। तो मस्ट हैव है, उसी के साथ साथ बेस्ट प्लेयर है। थोड़ा सा क्रेडिट है लेकिन यहाँ पर बेस्ट प्लेयर आपको बैन से मिल जाएगा जो कि 20+ मिनट खेलेंगे और जितना भी टाइम खेलेंगे आपको पॉइंट ही देता रहेगा। बाकी ऑफेंसिव मोड में खेलेंगे, बाकी बिलोप्स एज अ स्टार्टर खेलेंगे। चाहे तो आप इनको JAL में ट्राई कर सकते हो। बिलोप्स का रिसेंटली मैच में परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है। लास्ट मैच हेड टू हेड मैच रहा था, 29 मिनट खेले थे, 9.6 रिबाउंड। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी 20 मिनट खेले थे, 2.2 रिबाउंड 6.1 ब्लॉक। तो एवरेज प्लेयर है, क्रेडिट हाई और 6.7 परफॉर्मेंस। क्रेडिट के हिसाब से नहीं, JAL में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में तो यहाँ पर रिस्की है। अगर बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम में भी फावरिस जो कि आपके 100% अपोनेंट के पास लगभग रहने वाले और अच्छा खासा टाइम मिलेगा। यहाँ से आप केलावरा खेलते तो केलावरा अच्छे खासे पिक मिल जाएंगे। अगर केलावरा नहीं खेलते तो यन पॉवेल मस्त है वे। उसी के साथ साथ डी ऑगस्टी को चाहे तो आप इनको पिक कर सकते हो, डिफेंसिव खेलेंगे। डी ऑगस्टी का लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे 15 मिनट खेले थे, मैंने कहा था ये डिफेंसिव खेलेंगे, 2 रिबाउंड और उसी के साथ साथ 6 असिस्ट। तो एवरेज परफॉर्मेंस रहा था। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी टाइम अच्छा खासा मिला था, बाकी असिस्ट और रिबाउंड अच्छे खासे देंगे, 1 पॉइंट उसमें था, उसी के साथ साथ 7 असिस्ट उसमें थे। तो चाहे तो आप JAL में ट्राई कर सकते हो या फिर स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। 7 क्रेडिट के प्लेयर है, एज ए क्रेडिट सेवर आप यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो। डी डेविन सिजो यहाँ पर मुझे यहाँ पर बेटर प्लेयर पिक लग रहा है शूटिंग गार्ड से क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट भी शूट करते हैं पी कॉन्गटन, आपके 100% अपोनेंट के पास रहने वाले हैं आज के मैच में। और यहाँ से आपको नो डाउट बेस्ट एसपी चॉइस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप चाहे तो भी पोर्टिस को भी ट्राई कर सकते हो। सेंटर से आपको एबाइनिज मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर बैन से खेलेंगे, इतने अच्छे खासे प्लेयर नहीं। बाकी बिलोप से ऐसे एज ए स्टार्टर खेलेंगे, इनका भी रिसेंटली मैच में परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा। सी वाउचर के अलावा आपको सेंटर से कोई बेस्ट पिक आपको यहाँ से मिलेगा नहीं। तो ये हुए हमारे सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अभी बचते हैं हमारे पास 26 क्रेडिट। 26 क्रेडिट में आप चाहे तो यहाँ पर ओनोबड़ी को भी ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ ओनोबड़ी अच्छा खासा टाइम खेलेंगे। उसी के साथ साथ लास्ट मैच अगर देखेंगे ओनोबड़ी का कमबैक मैच था और कमबैक मैच में भी यहाँ पर ओनोबड़ी ने यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, 27 मिनट के लिए। तो हो सकता है आज के मैच में इनको अच्छा खासा टाइम मिलेगा अगर केलावरा नहीं खेलते तो, और ओनोबड़ी आपको अच्छे खासे यहाँ से पॉइंट देंगे। बाकी अभी भी बचते हैं हमारे पास 12.5 क्रेडिट और 12.5 क्रेडिट में आपके पास बी पोर्टिस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसी के साथ साथ बिलोप्स रिस्की है, यहाँ से बी पोर्टिस ही मुझे यहाँ पर सेफ लग रही है। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर डी डेम्ब्रिस को भी आप चाहे तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये फंडलेट को हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं। बाकी ये फंडलेट को अगर यहाँ पर पिक करना है तो फिर यहाँ पर ओनोबड़ी को यहाँ पर सिंपली आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ ये फंडलेट आ जाएंगे जो कि सेफ पिक है और उसी के साथ साथ बेस्ट पीपी चॉइस। और डी अगोस्टी को भी यहाँ से आप पिक कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ से आप पिक कर सकते हो डी डेमरी भी यहाँ पर बेस्ट पिक मिल जाएंगे। अगर केलावरा नहीं खेलते तो डी डेमरी को यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिलेगा बैन से, तो इसलिए मैं यहाँ पर डी डेमरी के साथ जा रहा हूँ। बाकी अगर बात करूँ SPPP तो नो डाउट यस बेस्ट SP चॉइस आप आज के मैच के लिए जे एंटीकोनो। उसी के साथ साथ ये फैनलेट बेस्ट PP चॉइस आज के मैच के लिए। ये हुए हमारे सेफेस्ट ड्रीम इलेवन टीम जहाँ पर हम यहाँ पर बेस्ट PP और बेस्ट SP यहाँ पर जे एंटीकोनो और उसी के साथ साथ ये फैनलेट डिफॉल्ट यहाँ पर SPPP है। बाकी यन पॉवेल हमारे पंट पिक होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आज के मैच में यहाँ पर नहीं खेलते केलावरा तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यन पॉवेल अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दिखा देंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ओनोबड़ी को लास्ट मैच में यहाँ पर कमबैक किया था तो वहाँ से यन पॉवेल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर गिर गया था। बाकी यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर यन पॉवेल भी देते, लगभग यहाँ पर 30+ यहाँ पर ड्रीम इलेवन पॉइंट है हर मैच में यहाँ पर आपको दे ही देंगे। बाकी अगर इनकी बात करूँ तो एवरेज 20+ ड्रीम इलेवन पॉइंट हर मैच में लगभग यही दे ही देते। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।